लंबे समय इंतजार के बाद फाइनली जो है LMNU यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का पार्ट वन का एडमिशन डेट जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में फुल स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने वाला हूं आप लोगों को। जो एडमिशन डेट मैं यहां पर फाइनली बता देता हूं कि कब से आप लोगों का एडमिशन होगा और कब से जो यह डेट जारी किया गया है और कहां जारी किया गया है, मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ और फुल डिटेल के साथ आप लोगों की इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आप लोगों को एडमिशन किस प्रकार करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी प्रक्रिया इसमें बताने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में यानी पार्ट वन BA पार्ट वन में एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे थे वो सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर आपके परिवार में कोई भी है तो आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने परिवार को यह सूचना पहुंचा सकते हैं या यह वीडियो सबसे पहले उसके पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू से करने से पहले अगर सबसे पहली बार इस चैनल पर हो तो नीचे में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का निशान मिलेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से कोई भी न्यू अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल पर हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए अपडेट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्नातक प्रथम खंड में नामांकन जल्द शुरू होने के आसार, यानी नामांकन जल्द शुरू होने की संभावना यहाँ पर बताई गई है इस न्यूज़पेपर के द्वारा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है कि डेट की आप लोगों को किस तारीख से एडमिशन होगा। मैं आगे बताने वाला हूँ किस तारीख से आप लोगों को एडमिशन होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को यहाँ जानना जरूरी है। मैं आप लोगों को एक नंबर भी दूंगा, उससे आप डायरेक्ट कॉल करके डायरेक्ट आप LMNU के ऑफिशियल नंबर है, आप वहाँ से बात करके उससे कोई भी परेशानी पूछ सकते हैं, एडमिशन के से रिलेटिव भी पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को एक ईमेल ID भी शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, मैं आप लोगों को मोबाइल नंबर ईमेल ID दोनों आप लोगों के पास शेयर कर दूंगा। यहाँ पर देख लीजिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए इंटर के रिजल्ट आए हुए कई महीने बीत चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए इंटर का रिजल्ट जो कई महीने बीत गए हैं, कोरोना महामारी के चलते देश भर में सभी यूनिवर्सिटी बंद थे, लेकिन 2020-21 के लिए एकेडमी के लिए नया डेट जो है एडमिशन के लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में अभी तक जारी नहीं किया गया है। फिलहाल जो है उसका एडमिशन डेट जारी कर दिया गया है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसमें देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जो आगे जो जानकारी दिया गया था कि UG में एडमिशन के लिए 29 अप्रैल तक जारी किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सका। उसके बाद जो है 1 अगस्त से बताया गया था कि एडमिशन होगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में, लेकिन उस डेट को भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो है 6 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 30 सितंबर तक एडमिशन कराने के लिए प्रक्रिया दिया गया था, लेकिन वो भी नहीं रहा। अब जो फाइनली डेट जारी कर दिया, आप लोग को मैं फुल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा स्नातक प्रथम खंड में 7 से होगा नामांकन, यानी 7 अक्टूबर से होगा नामांकन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 7 लिखा है, 7 का मतलब यहाँ पर हुआ गया कि 7 अक्टूबर से होगा एडमिशन। मैं आप लोगों को नीचे में जो लिखा हुआ है वो भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग ध्यान से पहले सुनिए। देखिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कई बार नामांकन स्थगित करने के पश्चात एक बार से स्नातक प्रथम खंड 2020-23 में नामांकन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, यानी शुरू करने जा रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7 अक्टूबर से शुरू होगा। आप लोग को मैं आगे दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साफ साफ, यहाँ पर आप प्रक्रिया शुरू करने जा रही हैं जो 7 अक्टूबर से शुरू होने की बात कही जा रही है। जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रकाशित किया जाएगा, यानी जल्द ही नोटिफिकेशन एक प्रकाशित किया जाएगा जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों को किस प्रकार एडमिशन करना है, क्या प्रोसेस है। आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ ही दिनों में यानी 2 से 4 दिन के अंदर आप लोगों को जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को मैं बोला था कि आप लोगों के लिए एक नंबर नोटिस करेंगे, उसके बाद एक ईमेल ID, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। आप लोग को ध्यानपूर्वक इसमें सुनिए। देख लीजिए जैसे कि आप लोग के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और उसके जो ईमेल ID है इससे आप भी कॉन्टेक्ट करके आप लोग पूरी जानकारी देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए ऑफिशियल के लिए ये दोनों नंबर हेल्पलाइन नंबर दिया गए हैं, आप यहाँ से बात करके सारी जानकारी आप देख सकते हैं। अगर सबसे पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो नीचे में एक रेड कलर का सब्सक्राइब निशान मिलेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।